अगर मैं आपसे कहूं कि थार एक SUV नहीं है तो आप कहेंगे अच्छा। GST काउंसिल के अकॉर्डिंग थार एक SUV नहीं है। एक व्हीकल को SUV होने के लिए 4 मीटर से ज्यादा लंबा होना चाहिए, उसका इंजन 1500cc से ऊपर का होना चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस 170mm से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी महिंद्रा थार 2 पैरामीटर्स को क्वालिफाई करती है, पर थार की लंबाई है 3985 मिलीमीटर, यानी कि 4000 मिलीमीटर या 4 मीटर से थोड़ी सी कम, पर कम मतलब कम, और ये SUV नहीं कहलाएगी। तो उससे मेरा क्या फायदा? जो व्हीकल SUV कैटेगरी में आते हैं उन पर 28% GST लगता है और 22% का सेस लगता है, लेकिन सेस डिपेंड करता है व्हीकल की लेंथ पे और हमारी थार यहाँ बच जाती है, यानी कि टैक्स की बचत और थार हो गई सस्ती। लेकिन फोर्स गुरखा जो कि महिंद्रा थार की राइवल है अभी भी एक SUV है एज पर GST काउंसिल। तो थार या गुरखा, आप क्या लेंगे? ऐसे ही और ऑटोमोटिव कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।